महाराज जी, जय सीताराम। जय सीताराम महाराज जी। महाराज जी, हमें थोड़ा सा ये बताएं कि इस मानव जीवन को कैसे सार्थक किया जाए और मानव जीवन पाकर जो है इस जीवन को कैसे सार्थक करें। जी जी, इस संसार में जितनी भी योनियां हैं, सभी योनियों में मनुष्य योनि श्रेष्ठ योनि जी। और श्रेष्ठ इसलिए है कि इसी योनि के द्वारा प्राणी अपने स्वरूप का बोध कर सकता है, इसी योनि से प्राणी सदगति प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इसको देह दुर्लभ शरीर कहा जाता है। ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ देह, देवताओं के लिए भी दुर्लभ ये देह। क्यों? क्योंकि इसी शरीर के द्वारा ही मनुष्य भाव से पार हो सकता है। और संसार में कोई ऐसा देह नहीं है, पर इस शरीर की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि इस शरीर का एक क्षण का भरोसा नहीं है कि अगला पल मनुष्य समय देख पाएगा कि नहीं देख पाएगा। समय का कोई भरोसा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, महापुरुषों ने कहा है, मैंने कबीरदास जी की एक जीवनी में पढ़ा था। कबीरदास जी कहते हैं, पानी केरा बुदबुदा असमानस की जात। पानी के बुलबुल्ले के समान मनुष्य का जीवन है जी। है तो बड़ा श्रेष्ठ जीवन जी। मनुष्य का जीवन श्रेष्ठ जीवन है। इसी शरीर से परमात्मा को प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इस शरीर में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि शरीर का जीवन का कोई भरोसा नहीं। कोई भरोसा नहीं। हाँ, कांच की घड़ा के समान है, कब फूट जाए कोई भरोसा नहीं। कल क्या हो कुछ पता नहीं। कुछ पता नहीं। तो मनुष्य जीवन की जो सार्थकता है जी, मनुष्य के जीवन में चार पुरुषार्थ होते हैं जी, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जी। जो प्राणी इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त कर लेता है वो जीवन मुक्त संत हो जाता है जी जी जी। और ये जब तक चारों पुरुषार्थ मनुष्य के जीवन में पूर्ण नहीं हो पाते, वो जीवन मुक्त नहीं हो सकता है। वो अपना आत्मस्वरूप का बोध नहीं कर सकता है, वो ईश्वर की प्राप्ति नहीं कर सकता है, उसकी सदगति नहीं हो सकती जी जी। तो इसलिए ये सबसे ज्यादा श्रेष्ठ जीवन है मानव जीवन जी, जी सबसे श्रेष्ठ जीवन। यही शरीर एक ऐसा देह है जिससे ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्रशस्त किया जाता है। बाकी तो जितनी भी योनियां हैं, उन योनियों में तो किए हुए कर्म का कोई फल नहीं है जी, जी। केवल इसी योनि के द्वारा किए हुए सत्कर्म का फल प्राणी को प्राप्त होता है। सत्कर्म का फल है पुण्य का फल है सत्कर्म, और पाप का फल है दुख जी जी।